और अब आपको बताते हैं यूपी के मौसम का हाल। यूपी में भारी बारिश के बीच आज फिर से अलर्ट जारी किया गया है। आज पूर्वांचल के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन इलाकों में वज्रपात भी हो सकता है, वज्रपात भी हो सकता है। इन 17 जिलों में मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर समेत कई जिले शामिल हैं। और आपको यह भी बता दें कि बुधवार यानी कल भी पूर्वांचल के इलाकों में बारिश हुई है। साथ ही साथ अवध के 28 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो किन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उनके नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बदायूं, सुल्तानपुर, बस्ती, इटावा, इन सभी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और किन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है उनके नाम भी आप जान लीजिए। प्रतापगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात समेत लखनऊ। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और यूपी की बाढ़ की स्थिति आपको दिखा रही हैं ये सात तस्वीरें। ये सात तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में किस कदर बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। बिजनौर से लेकर अयोध्या, बाराबंकी, गोरखपुर, सीतापुर और अम्बेडकर नगर समेत कुशीनगर की तस्वीरें हैं। आप खुद देखिए कि किस तरह गांवों के अंदर पानी घुस आया है। कई बीघा खेत में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 30 गांवों में पानी घुस गया है। सीतापुर के अंदर बाराबंकी में देखिए हालत क्या है। मकान डूब गए हैं, खेत जलमग्न है, लोग बेबस हैं, नदी किनारे खतरे की आहट है। अंबेडकर नगर में, गोरखपुर, कुशीनगर और अयोध्या, सब जगह नदियां अपने जल स्तर के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के पानी से बुरा हाल है बिजनौर में। ये देखिए कितना नुकसान हुआ है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी। हमारे संवाददाता नितेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वाराणसी से किस तरह की तस्वीरें नितेश मिल रही हैं? क्योंकि अभी सात तस्वीरें जो हमने दर्शकों को दिखाई उसमें स्पष्ट है कि गांव के अंदर पानी आ रहा है, कई बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कई इमारतें डूब चुकी हैं और जो तटीय इलाके हैं, नदियों के किनारे वाले इलाके हैं, वहां मिट्टी का कटान हो रहा है। आस्था, अगर बनारस की बात करें तो बनारस में बारिश जब हो रही है इसके साथ ही गंगा का जलस्तर और गंगा की सहायक जो सहायक नदी है वरुणा, उसका भी जलस्तर थोड़ा बढ़ रहा है। किनारे पर की बात कर लें तो किनारे पर चिंता बढ़ी हुई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही जो प्रशासन की जो टीमें हैं, खासतौर पर अगर बात करें तो बाढ़ राहत से जुड़ी हुई टीमें, चाहे वो चिकित्सा विभाग की टीम हो या जो सेना के जवान हो, उन सबको पूरी तरह से अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। जिस तरह से आने वाले दिनों में बाढ़ की आशंका है, बाढ़ की इस बार ये आशंका जताई जा रही है कि पानी इस बार जलस्तर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मानसून पहले आया है। इस स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। जो तटीय इलाके हैं उनको साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जैसे ही बारिश का पानी अपने शीर्ष पर हो और गंगा का जल स्तर या आपकी सहायक नदी जो वरुणा है उसका जल स्तर जैसे ही बढ़े, आप तुरंत वहां से कहीं और चले जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाएं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्रशासनिक टीम से संपर्क साधें, वहां पर आपको प्रशासनिक टीम मौजूद मिलेगी और वो रहने की व्यवस्था कराएगी, इसके साथ खाने पीने के इंतजाम भी कराएगी। ये सारे प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बनारस की बात करें तो यहाँ पर बारिश हो रही है, गंगा और गंगा की सहायक नदी वरुणा का जलस्तर बढ़ रहा है। किनारे पर जो नाविक हैं वो अब चिंतित नजर आने लगे हैं। कुछ ही दिनों पहले नौका का संचालन शुरू हुआ था और अब नदियां बढ़ने से उनका व्यवसाय भी प्रभावित होगा, तो वो भी चिंतित नजर आ रहे हैं। अपनी नौका को कहे तो उनकी तैयारी कर रहे हैं, अपनी नौका को सुरक्षित कर रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो घाट किनारे की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त जिंदगी है। और इसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जो बनारस के आसपास के गांव हैं जहां से गंगा और वरुणा गुजरती हैं, वहां पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। ग्रामीण कहीं ना कहीं दहशत में है, भयभीत है। आस्था जी, हाँ बिल्कुल, तो आपने बताया कि किस तरह की चुनौतियां फिलहाल वहां खड़ी हो गई हैं। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नितेश।